अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दोस्त आवाम दोस्त, और आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। कोरोना की चौथी लहर आवाम पे ढाया एक बार फिर कहर, आम आवाम हो या कारोबारी तबका, लॉकडाउन से हर बंदा ही है परेशान। क्या हुकूमत इंतजामिया कर रही है आवाम के लिए कोई बेहतर इंतजाम? आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या मुश्किल दरपेश है? ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोग बहुत घंटों से परेशान हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे। खुशन गाड़ियों की बड़ी मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम से कम SOP के साथ इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि रिक्शे और दूसरे जो गाड़ियाँ हैं मुँह मांगे पैसे मांग रहे हैं। अभी इस महंगाई के दौर में वैसे वैसे ही परेशानी है, बंदा और परेशान कि जो 20 रुपये में सफ़र होता है वो 100-100 रुपये ले रहे हैं। तो ये कम से कम इतनी तो रिलीफ दे दें कि SOP ज़रूर रखें, लेकिन साथ साथ SOP के साथ सहूलत भी दे देना। मतलब ये पेशेंट हैं, जैसे आप भी मेरे ख्याल से हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, तो पेशेंट करने के लिए थोड़ी सी रियायत होनी चाहिए। उसको कार्ड देख लें, उसका प्रिस्क्रिप्शन देख लें, और ये चीज़ें देख के कम से कम उनको रिलीफ दे दें थोड़ी सी। सही, तो बड़ी दिक्कत हो रही है जी। बाबा क्या कहेंगे, जो ट्रांसपोर्ट नहीं है, परेशान खड़े हैं यहाँ पे। हाँ, परेशानी यही है कि गाड़ी भर के तो आ रही है शहरों पे। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो लोग उतार देते हैं फिर लोग वापस चढ़ जाते हैं। हाँ। बाद में जहाँ ये ट्रैफिक वाले पुलिस वाले खड़े हैं ये जो है वहाँ पे खाली हो जाती है, खाली हो जाती है, फिर आगे बढ़ देते हैं। अच्छा, ये हो रहा है। तो अभी कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? मैं भी जैक्सन मार्केट है ना। अच्छा, वहाँ से आ रहा है? वहाँ से भी आया हूँ, तो अब यहाँ से शारा पे डिगोट जाना है मैंने। अरे वो तो बहुत दूर है, परेशान है, क्या करें, कोई गाड़ी नहीं है, कोई नहीं है। अभी ये महंगाई भी है, ऊपर से ये वो मांगे पैसे मांग रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाले। बिल्कुल, ये तो हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है, यही हो रहा है। तो अभी काम धंधे का भी परेशानी है आपको? मैं तो खुद मजबूर आदमी हूँ, कलर का काम करता हूँ, दिहाड़ी वाले हैं। हाँ, दिहाड़ी वाले। अब ये लॉकडाउन लगा तो दिहाड़ी नहीं है? नहीं, दिहाड़ी तो लगा के आया हूँ मैं, लेकिन अब जाने की परेशानी है। अल्लाह घर घर किस तरह पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ चले जाएंगे? अब दिहाड़ी लगी है वो ट्रांसपोर्ट में चले जाएंगे, वैसे चले जाएंगे, 300-400 रुपये वैसे चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी सर, क्या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं अभी तक? सर जी, रोजगार पहले ही नहीं था वैसे। हाँ। अभी ये लॉकडाउन लगा है तो ऐसे लग रहा है कि हमें गला दब चुका है हमारा, बस महंगाई की कसम। महंगाई को क्या, महंगाई का नहीं तो हमारा जीना भी वैसे आराम किया हुआ है, 60 हज़ार होटल का किराया है, क्या करेंगे। हाँ। कसम खुदा की इतना बर्बाद हो गया ना, मैं अभी आपको बता ही नहीं सकता भाई हमारा क्या हाल है। या अगर लॉकडाउन लगा रहे तो मालिकों को बोलो भी किराया बंद खत्म करो, या किराया खत्म करो, किराया खत्म नहीं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, कौन देगा? बोलते हैं 9 दिन। बर्तानिया में हर चीज़ खुल गई है, अमेरिका में हर चीज़ खुल गई है, सबसे बुरा हाल इटली का हुआ है, इटली खुला हुआ है, क्या है हमारे मुल्क में कोरोना है? मतलब ये जो है सारा गरीब के ऊपर ही। गरीब क्या, गरीब तो पैसे ही पहले ही बर्बाद था, पैसे वाला कमाता है, गरीब किधर कमाते हैं? बोला गरीब पे जो दिहाड़ी थी, वो जो डेली कमाने वाला है, वो दिहाड़ी लोग बोलते हैं ये खोज ले, अगर मोटरसाइकिल पे जा रहे हो पुलिस वाला ले रहा है, कोई क्या ले लेते हैं, कहाँ जाएगा? हर बंदा तबाह है खुदा की कसम, अमीर तो अमीर, गरीब वैसे ही तबाह खराब हो चुका है। अभी ये पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी हो गई यार। मैं बोलता हूँ पेट्रोल क्या, खाना पीने की अशिया, हर चीज, दुनिया की हर चीज महंगी है इधर, हर चीज। मैं 4 साल सऊदी लगा के हूँ, मैंने बोला तो कारोबार करते, कारोबार 6 महीने में 1 रुपया अल्लाह पाक की कसम नहीं कमाया, 1 रुपया ही लोग जेब से दिए, घर वाले पीछे पैसे दो, क्या दे, सारी चले गए, बस वो चले गए, एडवांस दिया किराए, वो पिछले 1 लाख रुपए गैस का बिल है, होटल पे सिर्फ चूल्हा चलता है, कहते थे कमर्शियल है, ना यूनिट चेक करने है ना कुछ, 1 लाख रुपए बिल आ गया, वो बोलते भाई ये कमर्शियल है आ गया, क्या करे, नहीं भरते, नहीं भरते, उन्होंने एक्ट पास किया हुआ 14 साल कैद है, बच्चों को पाले या इनको दें, बताओ क्या करें। ट्रांसपोर्ट में सारे पैसे जा रहे हैं? हाँ ना, बोला भी जो कमा रहे हैं, जो दिहाड़ी लगी है आज, तो वो बसें तो बंद है, तो अभी बेरोजगारी बढ़ गई, इन लोगों ने लॉकडाउन लगा के रखा है, अभी क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, मजदूर बंद है, एक दिहाड़ी लगता है तो 10 दिन बैठे हैं लोग, उसके बाद पता नहीं कब मिलेगी। हाँ ना, वो भी मिलती है हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद मिलती है, क्या कर सकते हैं। तो ये रखे वाले भाई जो हैं, इन्होंने भी किराए बढ़ाए हुए हैं, ये भी इन लोगों ने, कोई 50 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है, उधर से आए मच्छर से इधर तक 50-100 रुपये ले रहे हैं। अच्छा, अभी क्या करें, बेरोजगारी लगी पड़ी है। अभी बंदा इन ट्रांसपोर्ट में पैसे खर्च कर ले या घर पे लेके जाए, क्योंकि महंगाई इतनी है, महंगाई इतनी, आटा महंगा, चीनी महंगी है। हाँ ना, सही, अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे पुलिस वाले बंद कर रहे हैं हम लोग, कारोबार भी बंद है, ट्रांसपोर्ट कारोबार बंद है, सुबह सुबह भी हमारा 500 का चालान किया, देखो पुलिस वाले चालान कर दिया। ये किस चीज़ का चालान है? रक्षे का, रक्षे का।
520 का सुबह सुबह न्यास्ते के टाइम पे नहर मून चलान हो गया। नहर मून चलान सही। तो अभी कमाई है नहीं, ऊपर से ये नई पर्चियाँ मिल रही हैं। कमाई है नहीं, इन लोग ने अपने जो है ना हम लोगों को बेजार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। घर से काम से निकलो, आगे से सब कुछ बंद है, दुकान जाएंगे। अभी पेट्रोल महंगा हो, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, पेट्रोल भी महंगा हो गया, 118-119 रुपए हो गए। हर चीज महंगी हो रही है। आस्ते आस्ते देखो अभी आगे क्या होगा। मतलब जो गरीब आदमी है वो बेचारा तो पिस गया। गरीब आदमी पिसता है, अमीर लोगों को क्या फर्क पड़ता है। वो जो दिहाड़ीदार आदमी है, दिहाड़ीदार 400-500 कमाते हैं, इसका आटा लें, घी लें या क्या लें, सही बात है, एक ही चीज आएगी तीनों में से। मतलब बाकी अल्लाह पाक है, चला रहा है। बेशक क्या बताएं, देखो ना ये कोई हल तो नहीं है ना। हर बंदा 70 साल हो गए यही करते हैं, ना कोई गाड़ियाँ होती है। इतना बड़ा कराची है, ट्रांसपोर्ट तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, तो प्राइवेट बेचारे सब खड़े हैं, घंटों से खड़े हैं, घंटों खड़े जाते हैं। अच्छा एक कोच आती है इलियास कोच कोरंगी के लिए, लाखों की आबादी है उसके अंदर, लेडीज के लिए देख के भी तरस आता है समझ लो बस। अच्छा। इतना सा डिपार्ट होता है, उसमें भी कंडक्टर बोलते हैं आगे हो जाओ, किधर आगे हो जाए। आपने देखा लेडीज डिपार्ट कितना सा होता है, उसमें भी बोलते हैं आगे हो जाओ। फिर लेडीज पे चढ़ा देते हैं, वहाँ से आदमियों को चढ़वा देते हैं ऊपर से, फिर क्या बोलते हैं लेडीज आ गई आप पीछे हो जाओ। पीछे कैसे हो जाओ, पीछे तो पूरी भर गई गाड़ी। अब वो लेडीज के पाँव लगते हैं फिर वही मुमारी होती है। अभी ट्रांसपोर्ट बंद है तो अभी ट्रांसपोर्ट बंद घंटों से खा। तो देखो आज ही लॉकडाउन लगाया उन्होंने, 1 रुपए मेरे ख्याल में शायद 85 पैसे उन्होंने पेट्रोल पे बढ़ा दिया, चीनी पे भी बढ़ा दिया। ये हमारा देखो जरा ही मुल्क है, हमें चीनी 20 रुपए किलो भी मिले तो फिर भी इनको बहुत फायदा है, लेकिन हम लोगों को हर चीज यहाँ महंगी दी जाती है। जरा ही मुल्क पाकिस्तान जरा ही मुल्क है और यहाँ सबसे महंगी चीजें, हर चीज में महंगी, हर चीज महंगी है यहाँ पर। सही। मतलब अभी ये जो जितने भी लोग हैं सारे काम धंधे से आ रहे हैं, दिहाड़ीदार तक लोग हैं, अभी वो ट्रांसपोर्ट में सारा पैसा दे रहे हैं, घर के लेके जाएंगे वो। सही बात है, वो भी परेशान है बेचारे ट्रांसपोर्ट वाले भी। सही है। अब देखो लॉकडाउन में सवारी मिलेगी ना, उनको तो खाली ले आनी है, उसमें अगर 20 आदमी हुए तो नुकसान हो गया ना डीजल का। यकीन करोगे अभी भी घर पे बच्चे बैठे हैं, अभी भी इसी आश्रय पे के पापा आएंगे कुछ लेके आएंगे, पर क्या करें, ऐसा माहौल हुआ, पूरे शहर का माहौल एकदम बिगड़ा हुआ है। लॉकडाउन किस वजह से लगता है, कोरोना होते लगता है, कोरोना हो गया सारा दिन छुपा हुआ है, शाम को आता है। हालात थोड़े बेहतर होते हैं फिर उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है, उसके बाद फिर हालात ख़राब हो जाते हैं, वही बात है। ये वैक्सीन लग रही है उसके बावजूद भी कोरोना जो है वो फैल ही रहा है, दिन ब दिन आ रहा है कि भाई सिंध में कोरोना फैल ही रहा है, कम होना चाहिए ना अगर हम वैक्सीन लगवा रहे तो। गरीब आदमी तो इससे जहर मिला दे पानी में, सारी दुनिया मर जाए, जान छूट जाए। रोज़ाना का मसला तो नहीं है कोरोना, रोज़ का रोना धोना, सुबह उठ के हम लोग रोज़ाना धोवे। बच्चों ने तो हर चीज़ खानी है, मांगनी है, हर चीज़ लेनी है भाई, हम कहाँ से लाके देंगे, हमारी दिहाड़ी नहीं लगेगी। तो परेशानी दरपेश हो रही है अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो। भाई हमारे को तो तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, वैक्सीन लगवाने भी आए हैं, यहाँ पे इतना रश लगा हुआ है। अच्छा। अब ये सिंध गवर्नमेंट और वफाक के चक्कर में हम लोग तो बहुत इधर परेशान रही है, यहाँ पे रोड पे फार हो रही है। हम रोज मजदूरी करने वाले लोग हैं, इतने परेशान हो चुके हैं, यकीन करेंगे अब हमारे बड़े मसले मसाइल हो चुके हैं। मतलब अभी दिहाड़ीदार जो तबका है वो घर पे, यकीन करोगे अभी भी घर पे बच्चे बैठे हैं, अभी भी इसी आश्रय पे के पापा आएंगे कुछ लेके आएंगे, पर क्या करें, ऐसा माहौल हुआ है, पूरा शहर का माहौल एकदम बिगड़ा हुआ है। मतलब कोई दिहाड़ी नहीं लगी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है भाई। अभी आपके सामने हम अपनी नौकरी से आ रहे हैं, आगे यहाँ पे देखा हमने, बोला चलो वैक्सीन ही लगवा लें, वैक्सीन को देखते हैं तो यहाँ तो हजारों का मजमा लगा हुआ है। और ट्रांसपोर्ट वैसे ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट शहर में ऐसे ही नहीं है, कार है, बाइक है, पंचर हो जाए तो कहीं पंचर भी नहीं बनता, ऐसे हालात हुए हैं शहर में। फिर रक्षे में रख के लाओ इन गाड़ियों को, बहुत परेशानी हो गई है। इन आपस के मामलात में आवाम बहुत परेशान है, महंगाई इतनी है कि बंदा परेशान है। महंगाई तो यकीन करेंगे आप इतनी है, फ्रिज में गोश्त तो पड़ा हुआ है पर गोश्त को पकाने के लिए कुछ और चीजें भी चाहिए, घी तेल दीगर मामलात है, पर क्या करे बंदा, बहुत परेशान है। सिंध गवर्नमेंट ने तो ये देख लिया होगा कि भाई आवाम के फ्रिज भरे हुए, चलो लॉकडाउन लगा दो, पर इसका मतलब ये थोड़ी है और चीजें फ्री में थोड़ी आएंगी। लॉकडाउन किस वजह से लगता है, कोरोना होते लगता है, बिल्कुल कोरोना हो गया सारा दिन छुपा हुआ है, शाम को आता है। अभी तो मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया, मुकम्मल लॉकडाउन है मेरे हिसाब से यार, किसी का पेट को लात मारना बुरी बात है। और जो दिहाड़ीदार तबका जो है वो परेशान, दिहाड़ीदार तबका परेशान है ना, तो वो हुकूमत उसके लिए कुछ करे ना, पैकेज 30,000-40,000 महीने का राशन डाले,
फिर हर कोई शौक से अपना दुकान मुकान सारा बंद करेगा। सही, अब यहाँ लोग परेशान है, इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है। हाँ, महंगाई है इसलिए बेरोजगारी है। हाँ। तो ये हुकूमत को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना इस बारे में। सही। भाई क्या परेशानी है तुझे? परेशानी है कोई? तो बाइक में भाई, फिलहाल तो कोई परेशानी नहीं है। सही है, मतलब कारोबार वगैरह जो है आपका? कारोबार तो जाहिर बात है नुकसान तो हो रहा है, कारोबार कितना बंद है लोगों का, नुकसान नहीं हो रहा। मतलब अभी महंगाई इतनी है लोगों ने जो, हाँ माशिया तो दिन ब दिन तबाही हो रही है ना लोगों का, तो कारोबार बंद हो रहा है, नुकसान तो हो रहे हैं। मतलब घर पे बैठे लेकिन किराए जा रहे हैं, बिजली के बिल। हाँ जाहिर बात है, ये क्या इमरान खान ला के देगा, किराया भी देगा? वो तो नहीं देगा ना। हालात थोड़े बेहतर होते हैं फिर उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है, तो उसके बाद फिर हालात ख़राब हो जाते हैं। वही बात है, ये वैक्सीन लग रही है उसके बावजूद भी कोरोना जो है वो फैल ही रहा है, दिन ब दिन आ रहा है कि भाई सिंध में कोरोना फैल ही रहा है, कम होना चाहिए ना। तो अगर हम वैक्सीन लगवा रहे हैं ताजिर हैं तो आप गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है टैक्सी मद में या किसी भी सूरत में? गवर्नमेंट तो कोई सपोर्ट नहीं कर रही। गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है? मस्जिद में सुबह आते हैं बेचारे, वहाँ साइड पर रोक के मस्जिद बंद कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं उनको उतार रहे हैं, आवाम को परेशानी है बस। यार क्या कहेंगे, ये जो लॉकडाउन लगा तो क्या मुश्किल दरपेश है भाई जान, गरीब आदमी की सलवार उतर गई इस लॉकडाउन से, भूख से मरेगा और क्या हो गया। अच्छा आपको नहीं पता है क्या हो गया ये दुनिया में, क्या हो रहा है, ना खाने को मिल रहा है ना पीने को। महंगाई इतनी है वैसे, महंगाई ने तो इस हुकूमत ने तो गरीब को खा लिया और क्या करेगा, सलवार उतार के सर पे बांधेगा? मतलब हर दिन पेट्रोल बढ़ जाता है, हर चीज बढ़ जाती है, खाने पीने की चीजों की रोजाना यही मसला हो रहा है, रोजाना ही बढ़ रहा है, कल कुछ और रेट, आज कुछ और रेट। गरीब आदमी तो इससे जहर मिला दे पानी में, सारी दुनिया मर जावे, जान छूट जावे। रोजाना का मसला तो नहीं है कोरोना, रोज का रोना धोना, सुबह उठ के हम लोग रोजाना धोवे, बच्चों ने तो हर चीज खानी है, मांगनी है, हर चीज लेनी है भाई, हम कहाँ से लाके देंगे, हमारी दिहाड़ी नहीं लगेगी। तो वो खाने पीने की अशिया अलग है, ऊपर से बिजली का बिल है, फिर दुनिया भर की चीजें, पहले बोला था 3 महीने की माफ है, उसने डबल किया, ट्रिपल करके ले लिए हमसे, हम तो गरीब आदमी तो मर गए, घर का किराया देना है, दुकान का कर्ज चढ़ गए, सब कुछ हो गया, क्या कर नहीं किया इसने, इसने कौन सा काम अच्छा किया है दुनिया में? दूध भी बंद करा दिए, बच्चे घर पे रो रहे हैं लोगों के, और दूध बंद है, तो दूध की दुकानों की तो मेरे ख्याल से छूट दी भी है, छूट दी सर, बंद सब बंद करवा दिया, बंद करवा दी। तो वो जो दूध वगैरह है वो सब ज्यादा खराब, दूध अभी रात को और दूध आना है सर, वो दूध आएगा फिर हम क्या करेंगे, हम बताए मार्केट दूध जैसे नुकसान में जा रहे हैं, ऊपर से और परेशानी, और परेशानी बहुत बड़ी परेशानी। सही, अभी कुछ इसका हल करें सर, क्या दरपेश हो रही है परेशानियां जो अभी ये लॉकडाउन लगा हुआ है, कारोबार के हवाले से, सर कारोबार के हवाले से कि हर बंदा इस वक्त परेशान है, मतलब सब मार्केट में, हां जिनकी गवर्नमेंट की तनख्वाह है उनका तो मसला नहीं, उनको तो वक्त पे तनख्वाह मिल जाएगी, ये आम आदमी मराठे भी वैसे ही है, हां उनके लिए सारा निजाम बराबर है, क्योंकि आम आदमी जो प्राइवेट शख्स है ना वो परेशान है, क्योंकि रोज की जो दिहाड़ियां कमाने वाले लोग हैं उनके घरों में तो फाकों की कैफियत आ गई है, इतनी महंगाई है। आज हम ऐसी ऐसी फैमिलियों को लोगों रोटों के ऊपर मांगते हुए देख रहे हैं, जिन्हें हमें देख के ताज्जुब महसूस हो रहा है कि ऐसी ऐसी फैमिलियां बच्चों को लेके जो है ना मांगने के लिए निकली हुई है। आखिर ये हुकूमत चाहती क्या है, ये लोगों को भिखारी मकसद रोड पे लाना चाहती है, इनका मकसद यही है। मतलब ये आए दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर दूसरे दिन पेट्रोल, इनकी पॉलिसी है, ये आए दिन दो दो चीनी महंगी कर दी, आटा हर चीज महंगी करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह आवाम में भी ऐसी कैफियत है, ये 200 रुपए भी करेंगे खरीदेगी, आधी हो गई है, हाँ आवाम आधी होगी, इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सही, तो अभी ये कारोबार के हवाले से सर, ये जो कारोबारी तबका है वो बेचारे माल भी लेके बैठे हुए हैं, फिर किराए भी दे रहे हैं, बिजली के बिल हैं, तो भाई इसके लिए तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना, बिजली के बिल अपने हिसाब से आ रहे हैं बल्कि ऊपर आ रहे हैं, कोरोना के अंदर इनको पैकेज देना चाहिए, बिजली के बिलों के अंदर देना चाहिए, और इसके अलावा कोई रिलीफ देना चाहिए, आवाम बहुत परेशान है, अभी ये चाह रहे हैं कि आवाम टीटियां लेके रोड पे निकले और डकैतियां मारना शुरू कर, बढ़ तो गया क्राइम, हाँ क्राइम बढ़ गया, रोज पता नहीं कितनी मोटरसाइकिलें छीनी जा रही है, कितने जो है ना वो छीने जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, पूरा अगस्त का महीना जो है आवाम परेशान रहेगी, ऊपर से मोहर्रम है और एक हफ्ता मार्केटें बंद हो गई, रोज कमाने और खाने वाला तो परेशान हो गया, वो कहाँ से अपना घर चलाएगा, किसी की तो गवर्नमेंट है नहीं, महंगाई है, आटा चीनी महंगी हुई है, महंगाई तो इतनी है कि सर जिसकी 15,000 तनख्वाह है ना, घर का किराया 10,000 रुपये, वो 5,000 में क्या करेगा, बिल भरेगा, घर चलाएगा, हुकूमत की तरफ से तो किसी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, कोई 12,000 रुपये कहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, रोज कमाने खाने वाला परेशान है, इसका कोई हल नहीं निकली, पता नहीं कब तक चलेगा मामला, और जब तक चलेगा आवाम पिसती रहेगी और गरीब आवाम रोड पर आती रहेगी, तो ये बच्चों को लेकर रोड पे निकल के बैठ जाए गरीब आवाम, क्या बेचारे परेशान है, जो हाँ वो रोज कमाने खाने वाले परेशान है, उनका कोई हल नहीं हो रहा है, सिर्फ ना उनकी कोई मदद की जा रही है, ना कोई जो प्राइवेट जॉब करता है ना
वहाँ से भी उसकी कोई मदद नहीं, बेचारा राशन नहीं, वहाँ से भी नहीं होती कोई मदद, जो प्राइवेट जॉब वाले की कोई मदद नहीं है, सिर्फ उसका ये है कि उसका कर्जा चढ़ रहा है, जहाँ वो लोगों से मांग मांग के खा रहा है, बस ये यही हाल है, इसके अलावा हाल नहीं है, ये हालात जब तक है उसके लिए यही हाल है। कि गवर्नमेंट वाला का अपना मजे है, ये सारा अपना आपस में मिला हुआ है समझे, और गरीब कारू और ख्वार कराने हैं। तकरीबन आधा घंटा हुआ है, रास्ते में गाड़ी ने उतार दिया था, रेंजर्स वगैरह पुलिस वगैरह वो नहीं जाने दे रही थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक गाड़ी पर आ गई थी, उस पर हम लोग सवार थे, उन्होंने उतार दिया, नहीं जाने दिया गया। अगर मंडे से ये लोग कहते हैं, मंडे से अगर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाती है तो फिर गरीब बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी हमने पता किया तो 100 रुपये एक बंदे से मांग रहा था रिक्शे वाला, अब रिक्शे वालों का ये है कि कमाई है इनकी, वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा कमा लें। तो परेशान है, हम तो डबल पैसे नहीं मांग रहे, लेकिन अभी ज़रूरत के मुताबिक चला रहे, अभी क्या करें, लोग इनका मजबूरी भी तो पूरे करना हो गया, अभी गरीब लोग अभी देखो ना रास्ते पर खड़े, इस पर कोई नहीं है, दुकानें बंद कर दो, बेरोजगारी कर दो, ताकि डकैतियाँ हो, लूट मारियाँ हो यहाँ पे, सीधी सी बात है, सामने नजर आ रहा है, कहाँ जाएगा गरीब आदमी, रोज कमाने वाला कहाँ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या मुश्किलें दरपेश आ रही हैं, घंटों से खड़े हैं सब यहाँ पे, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है कुछ नहीं। हाँ ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, और काफ़ी सुबह तो पहुंच गए किसी तरह काम पे, लेकिन अभी इस वक्त बहुत प्रॉब्लम है, और रक्षे वगैरह चल रहे हैं, डबल सवारी की पाबंदी अभी ख़त्म हो गई है, उससे लोगों को थोड़ी सहूलत हो जाएगी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट तकरीबन आधा घंटा हुआ है, रास्ते में गाड़ी ने उतार दिया था, रेंजर्स वगैरह पुलिस वगैरह वो नहीं जाने दे रही थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक गाड़ी आ गई थी, उस पर हम लोग सवार थे, उन्होंने उतार दिया, नहीं जाने दिया गया। खान साहब असल की बात ये है कि गवर्नमेंट वाला का अपना मज़े है, ये सारा अपना आपस में मिला हुआ है समझे, और गरीब कारू और ख्वार कराने हैं, तुम देख लें कि कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रहे, और हम लोग देखे कर रहे हैं, एक लोग सर के इंतज़ार में, अभी भीख मांगने का कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई गाड़ी रुका है तो हम लोग जगह आगे उसके में बैठ जाते हैं, और ये नहीं देख रहे कि ये लोग सुबह निकल के शाम तक देखे कर रहे, फिर भी इस लोग का अंदर तरस नहीं है, इस लोग के अंदर फिर भी तरस नहीं, लेकिन इससे तो बेहतर ये है कि सब को इकट्ठा करके, गरीब को इकट्ठा करके समाधान में एक घंटे में डाले और ख़त्म कर दें, क्यों पाकिस्तान का करें ना जो है, ये बड़ों लोग गए, गरीब का ये कोई वो नहीं है। मुझे तकरीबन एक घंटा तो हो गया यहाँ वेट करते हुए बस का, तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो ट्रांसपोर्ट की है, अब जिनके पास अपनी सवारी है, बाइक है या कार है या कुछ भी है, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मिनी बसों पर सफ़र करने वाले लोग हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किल दरपेश हैं। अगर मंडे से ये लोग कहते हैं, मंडे से अगर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाती है तो फिर गरीब बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी हमने पता किया तो 100 रुपये एक बंदे से मांग रहा था रिक्शे वाला, अब रिक्शे वालों का ये है कि कमाई है इनकी, वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा कमा लें, कम से कम टाइम ज़्यादा छाप लें पैसे, अब वो कह रहे हैं कि 100 रुपये पर बंदा, 100 रुपये जाने के 100 रुपये 200 रुपये सैलरी इतनी है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। अस्सलाम बाबा। वालेकुम सलाम जी बाबा, क्या कहेंगे ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग परेशान हैं, लोग रिक्शे वाले ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, लोग परेशान हैं, हम तो डबल पैसे नहीं मांग रहे, लेकिन अभी ज़रूरत के मुताबिक चला रहे, अभी क्या करें, तो लोग इनका मजबूरी भी तो पूरे करना हो गया, अभी गरीब लोग अभी देखो ना रास्ते पर खड़े, तो जो तेल भी महंगे, तेल भी महंगा कर दिया, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, तो हम इस वजह से जो है अभी इस रिश्ते से क्या हो रहा है, घर का इतना गुजारा ही नहीं होगा, तेल इतना महंगा, महंगाई भी इतनी है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, अभी कोरोना से हर चीज़ भी असरअंदाज हो रहा है, ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है सब कुछ ही बेड़ा गर्क कर दिया, अभी कोरोना से बीमार होते या नहीं होते, परेशानी से बीमार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे ये जो भी कारोबार बंद हो गया है, जो दिहाड़ीदार बंदा है वो वैसे परेशान है सर, परेशान तो सब है यहाँ पे, लेकिन मुझे ये हुकूमत तो बतावे, कोरोना कोरोना कर रही है, ये 15 से 50 से 70 आदमी ऐसे खड़े हुए हैं, तब कोरोना नहीं लगेगा, ये वैक्सीनेशन के लिए चला सही कह रहे हैं, मतलब इसमें कोई असर नहीं हो रहा है, आप इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, इस पर कोई नहीं है, दुकानें बंद कर दो, बेरोजगारी कर दो, ताकि डकैतियाँ हो, लूट मारियाँ हो, वैसे वो
सीधी सी बात है, सामने नजर आ रहा है, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? रोज कमाने वाला कहाँ जाएगा? पुलिस वाले कमा रहे हैं, पुलिस वाले कमाते जा रहे हैं। अच्छा, पुलिस वालों की गाड़ियाँ देखो भरी पड़ी हुई है चीजों से, राशन से, हर चीजों से भरी हुई है। जिस दुकान पे जाते हैं उस दुकान पे जाके कुछ ना कुछ लेके गाड़ी में रख रहे हैं, 100-100 रुपए 200-200 रुपए उनको देते जाओ, वो आगे जाते जा रहे हैं। सही बात है, अभी खाली है, सरकारी बंदों की जेब भरती जा रही है, प्राइवेट बंदों की जेब खाली होती जा रही है। मतलब ये सही बात है कि दिहाड़ी दार जो तबका है वो बेचारा जो रोज खाता है रोज कमाता है, अभी आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी है, सब तो चीज महंगी है। कौन डलवा के देगा? कोई भी नहीं, हुकूमत किराया की है, उसका किराया कौन देगा? ये बंद कर देंगे तो किराया कौन देगा? बिजली का बिल है किराया, वो तो आएगा जब दुकान खुलेगी तो बिजली का बिल भी आएगा, सब कुछ आएगा। दुकानदार है जिसका घर किराया का, वो क्या करेगा? इसका कौन जवाब देगा? वो वाला वो लोग कर्जे में आ गए बेचारे जो दुकानदार हैं, तो यही होगा, चोरी होगी, मोबाइल छीनेंगे एक दूसरे के, माफ करवा दे हमारा। अभी घर पे बैठेंगे तो सारा दिन पंखे चलेंगे, सारा दिन बिजली आएगी, ज्यादा बिल आएगा, मतलब घर का बिजली भी, घर का भी दो, दुकान का भी दो। ऐसी बात है, फिर घर में बैठो तो 1000 की जगह उसका, फिर घर बैठ के 1500 हो जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। और महंगाई वैसी है कि आटा चीनी अभी महंगा हो गया है, अब आपके सामने किराए दुकानें बंद है, किराया कहाँ से दे? हुकूमत की तरफ से कोई आप लोगों को नजर आ रहा है कि कोई नजर आ रहा है ना, घर बिठा दिया, ये नजर आ रहा है, इसके अलावा चली गई भाई। अच्छा, लॉकडाउन के चक्कर में बेचारा बेरोजगार हो गया, आप कौन देगा इसको नौकरी? अस्सलाम वालेकुम मां जी। बहन क्या कहेंगी, ये अभी आप यहाँ पे बेच रही हैं और ऊपर से यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, तो क्या परेशानी दरपेश है आपको? वो परेशान है, मजबूरी में बेच रही है अभी। लाजमी सी बात है कि कोई कमाने वाला नहीं होगा, तो उससे आप ये बच्चा कमाया, मैं किताबें जाती हूँ उसके साथ ही आती हूँ। तो अभी लॉकडाउन नहीं है तो अभी किस तरह से गुजर बसर हो रहा है, क्योंकि अभी तो अभी क्या कर रहे हैं, मजबूरी में अभी जो घर चलाना पड़ता है। दो साल से लॉकडाउन चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा दो साल से। अच्छा, ऐसे ही वापस ले चले जाते हैं? हाँ, चले जाते हैं, कभी कभी बिकता है कभी नहीं बिकता। क्या कर रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, परेशान सब्जी वाले कहाँ जाए? मतलब अभी घर का किराया भी होगा, बिजली का बिल है, तो वो किस तरह अदा कर रहे हैं? क्या मकान ले, किराए का मकान ले, आलू बेच कर लेते हैं। अच्छा, बिल हुआ था वहाँ से भर लेते हैं। अच्छा, राशन वगैरह जो है वो ना आ जाता है कहीं ना कहीं से आता है। तो मतलब इसी तरह गुजर बसर हो रहा है, ये मतलब गुजर बसर इस तरह चल रहा है, ऐसे गुजर चल रहा है, क्या कर रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा कभी, हर दो दिन हर 15 दिन लौटा लग जाता है, 15 दिन बाबा अपनी पीछे को आगे करो आगे पीछे को, पुलिस वाला तंग करते हैं आप लोग। सही, वो महंगाई तो अभी क्या, उसने कमर तोड़ दिया गरीब का भाई। हाँ, और वो कह रहा है कि घबराना नहीं है, घबराना किस चीज़ का घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो हालात देख रहे हो ना, इसके इसकी वजह से हर गरीब मर रहा है, कोई हर हर महंगाई भी है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो बंदा यही इसी हालात के बंदा परेशान हो जाता है, दिमागी मरीज हो जाते हैं, भाई क्या क्या हो जाए, बस वसे आ जाते हैं सर में। अब जिस घर में एक कमाने वाला है, जिस घर के अंदर और 6 खाने वाले हैं, वो कोरोना से नहीं मरेगा, फाकों से मर जाएगा। तो ये इकदाम तो कुछ समझ में नहीं आता है कि बिल्कुल मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया इस तरीके से चलते, कि एक जैसे टाइमिंग 6 बजे की थी समझ में आती है। जी सर, क्या कहेंगे, जो भी दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद कर दिया गया है लॉकडाउन की वजह से, तो क्या परेशानियाँ दरपेश हैं? अभी ट्रांसपोर्ट भी बंद है तो आने जाने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं ये कह रहा हूँ, तकरीबन 60% पाकिस्तान में लोग गरीब लोग हैं। जी हाँ, इमरान खान ने इस लॉकडाउन से पहले हाथ जोड़ के दी हुई है कि तमाम लोग मास्क लगाएं, एहतियात करें, ताकि हमें वो तजावी ना करनी पड़े कि बाद में लोग मरना शुरू हो या कुछ हो, क्योंकि इस इंजेक्शन से वैक्सीन से कोई आदमी मरा नहीं आज तक, मुझे बता दो किसी को वैक्सीन लगी हो और ये मरा हो। अब कुछ क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो है धंधे के लायक, जब तक धंधा चलता नहीं है ना, जब तक ये सुधरते नहीं है, मानते नहीं है, अपनी हिफाजत नहीं करते हैं। जहाँ आवाम से यही अपील है मेरी है, चाहे इमरान खान अपनी जगह पर, वजीर आला अपनी जगह पर, आवाम अपनी खुद हिफाजत करें, खुद अपनी हिफाजत करें, अपने बच्चों के लिए जी, अपने खुद हिफाजत करें, तो इंशाल्लाह ऐसी नौबत हमारे मुल्क में नहीं आएगी। अल्लाह पाक हम पे रहम करम करे और ये वबा को दूर करे। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या कहेंगे, ये जो अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो क्या परेशानियाँ दरपेश है कारोबार के हवाले से, ट्रांसपोर्ट भी बंद है? वैसे भी कारोबार ठप था, बहुत ज़्यादा ठप हो गया, जानते वैक्सीन के ताल्लुक है कि इन्होंने एक्सपो सेंटर में यहाँ वहाँ लगाया हुआ, इससे अच्छा तो इनको चाहिए कि सिंध सेक्रेटेट है, सिविक सेंटर है, स्विगेस कंपनी है, हाई कोर्ट है, यहाँ ये
स्टोर चार चार दिन का लगा देंगे तो सरकार के मुलाजिम आधे से ज़्यादा लगा लेंगे, वहाँ अगस्त कम हो जाएगा। ये KPT है, यहाँ भी लगवा लें जहाँ गवर्नमेंट जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह वो वहाँ लगा लेंगे ताकि यहाँ वजन कम हो जाएगा तो वैक्सीन लग जाएगी। बाकी तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस पुलिस की कमाई खुद भी देख रहे हैं, आप आपको बेला ने आँखें दी हैं। बिल्कुल यही है, पुलिस आ रही है, आवाम जो कारोबार कर रहे हैं, जो परेशानी है उसमें और इजाफा ही हो रहा है। और इजाफा होगा, एक तो बेगर हुकूमत ने किया हुआ है और डबल बेगर हो रहा है। महंगाई की और महंगाई तो है, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, इसमें ये हमारे वजी अजम कहते हैं घबराना नहीं। अच्छा, हाँ सबसे बड़ा घबराया हुआ है, और कुछ भी नहीं है। बाकी ये मैंने जो अर्ज किया ना कि यहाँ वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाए, सेंटर बना दिए जाए ताकि वैक्सीनेशन आराम से हो जाए। जैसे कैंट स्टेशन है, रेलवे है, बड़ी बड़ी जगह बनाई जाए, उनका स्टाफ वहाँ चला जाए। सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, हजरत क्या कहेंगे, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो दहाड़ी दर तबका भी परेशान है, कारोबारी तबका भी परेशान है, तो क्या हालत देख रहे हैं आगे अगर इसी तरह मामला चलते रहे? गरीब तबाह है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, बस गरीब महंगाई के तले भी तबाह है, ऊपर से ये लॉकडाउन लगा हुआ है। वो महंगाई तो अभी क्या, उसने कमर तोड़ दिया गरीब को। हाँ, जो रोज़ खाते कह रहा है कि घबराना नहीं है। हाँ, घबराना किस चीज़ का, घबराना नहीं है, महंगाई से नहीं घबराना, मतलब हाँ महंगाई से घबराना नहीं है। अभी पेट्रोल भी महंगा हुआ है, चीनी महंगी हुई है, आटा महंगा हुआ है। वो भाई इससे तो वो चोर बेहतर थे। अच्छा, वो जो ये कह रहे हैं कि चोर है ना, वो तो बेहतर थे इससे। अच्छा, ये जो इंसाफ वाला आया हुआ है, जो उस टाइम इतनी परेशानी नहीं थी, उसमें उस वक्त कारोबार था, महंगाई नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी तो बेड़ा गर्क कर दिया पूरा मुल्क का, मतलब हर तरीके से परेशान है बंदा, हर तरीके से बिल्कुल बहुत परेशानी हो रही है। अभी बाहर हम खाना खाने आए हैं, देखे हैं होटल सारे बंद है, अभी हम लोग जो ना प्रदेश काट रहे हैं, इधर कहाँ से खाना खाएं हम लोग। सही, मार्केटें सारी बंद है, मतलब अभी खाने पीने की परेशानी है, फिर कहीं पका भी नहीं सकते आप लोग। बिल्कुल, तो हाँ तो मतलब अभी आगे क्या मामला लग रहे हैं अगर इसी तरह ये लॉकडाउन लगे रहा, कारोबार के हवाले से और मीशत के हवाले से? बिल्कुल बहुत परेशानी होती है कहीं भी जाने की, जो ना अभी हम लोग जो ना इधर खाना खाने आए, खाना तो है नहीं। अच्छा, अभी ये कोरोना लगा हुआ है तो क्या परेशानी दरपेश है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, काम के हवाले से? बस सर सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, इसकी हालत कोरोना थोड़ी है, गवर्नमेंट है और न पूरा ज़िंदगी चला है, हमारा 17 साल हुआ है यहाँ पे, कभी ऐसी ज़िंदगी नहीं देखी जैसे अभी देख रही है 3 साल में। अच्छा, ये 3 साल में जो ज़िंदगी देख रहे हैं ना, वो हमको कम लग रही है अभी ये ज़िंदगी, क्योंकि ये जो हालात देख रहे हो ना, इसकी वजह से हर गरीब मर रहा है, हर बंदा परेशान है कि मतलब महंगाई भी है, कारोबार नहीं है, महंगाई भी है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो बंदा यही इसी हालात के बंदा परेशान हो जाता है, दिमागी मरीज हो जाते हैं, क्या क्या हो जाते, बस वस्ते आ जाते हैं सर में। अच्छा, क्या क्या परेशानी है, मतलब कि सोच सोच के परेशान है सर, क्योंकि हर दिन महंगाई हो रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, अब एक चीज़ नहीं है ना, अगर एक चीज़ होते बंदा बोल लेते, हर चीज़ हो रहा है, महंगाई अलग हो रही है, दुकानें अलग बंद हो रही है, कारोबार अलग बंद हो रहा है, करेगा तो क्या करेगा, गरीब क्या करे, ये गरीब क्या करेगा, मैं क्या करूँ, मैं बाइक क्या चलाता हूँ, दो रोटी के लिए कब भागना पड़ता है, और फिर डबल सवारी भी बंद कर देते, क्या हुआ, बम धम आके हो गए, क्या हो गया, डबल सवारी बंद कर रहे हो, क्योंकि अकेला अगर तुम ट्रांसपोर्ट बंद कर रहे हो, हाँ तुम ट्रांसपोर्ट बंद कर रहे हो तो आप डबल सवारी खोलो के बंदा तो डबल जा सके, कि इंसान को तो थोड़ा तकलीफ कम हो जाए, तुम तकलीफ में और बढ़ा रहे हो उसको, और गुस्से रहे हो तो कैसे होगा ऐसे। अभी ये लॉकडाउन में कारोबार के हवाले से, काम धंधे के हवाले से क्या परेशानियाँ? काम धंधे के हवाले से यही है कि भाई गरीब आदमी तो मर गया। अच्छा, अगर कोरोना से नहीं मरेगा, ये रोड घर में एक कमाने वाला है जिस घर के अंदर और 6 खाने वाले हैं, वो कोरोना से नहीं मरेगा, फाकों से मर जाएगा, तो ये इकदाम तो कुछ समझ में नहीं आता है कि बिल्कुल मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया। इस तरीके से चलते कि एक जैसे टाइमिंग 6 बजे की थी समझ में आती है, इस तरीके से तो एक बंदा कमाने वाला 6 और बेचारे खाने वाले, तो वो तो फाकों से मर जाएंगे, कोरोना से नहीं मरेंगे। महंगाई तो आप पूछो ही नहीं कि महंगाई का, अभी पेट्रोल महंगा किया है, फिर चीनी भी महंगी हो गई आज, सब कुछ ही महंगा है भाई, 1000 रुपये तो कोई अहमियत ही नहीं रखते हैं, 2 से 3 आइटम लो आपके 1000 रुपये खत्म हो जाता है। ऊपर से बताओ ना, जो 10 दिन 8 दिन बैठेंगे घर के अंदर, अभी ये तो दिहाड़ीदार सबका है बेचारा, दो रोडों पे खड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए परेशान है, डबल डबल बेचारा कमा के जाता है तो उसके घर का चूल्हा जलता है, अब वो तो ऐसे ही मर गए उसके घर वाले, कोरोना से तो नहीं ऐसे ही मर जाएंगे, अपनी पूरी दिहाड़ी ट्रांसपोर्ट को देखे जा रहा है, बस अल्लाह उनको समझे भाई, जो इकदाम इन लोगों ने हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि ये गुजारिश है कि आवाम को रिलीफ तो मिले, आवाम को तो किसी किस्म का रिलीफ ही नहीं है, आवाम तो ऐसे ही मर रही है,
हर चीज में आवाम को ही पीसा जा रहा है। आवाम हर तरीके से आवाम ही पीस रही है। हर तरीके से आवाम ही पीस रही है भाई, और कुछ भी नहीं। सही, तो आवाम का भी ये कहना है और हमारा भी यही कहना है कि ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये वैसे ही बेकाबू है, पर फिर लॉकडाउन में तो आवाम की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया, तो इस लॉकडाउन में थोड़ी कमी की जाए, नरमी की जाए, ताकि आम आवाम जो है वो सुख का सांस सके और अपनी ज़िंदगी को आसानी से बसर कर सके। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।